तो गाइज ये वाला जो है ये है इजी माउंटिंग। तो ये जो मेटल वाला क्लैंप मिलता है बेसिकली ये मैग्नेटिक है एंड ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अभी हम लोगों को इस वाले बॉक्स में क्या बेसिकली मिल जाता है, इसके साथ में हम लोगों को टैंक का ये जो मैग्नेटिक क्लैंप रहता है एंड क्लैंप हो गया। सो ऑल सेट। What's up guys, this is Vikram and welcome back to my channel। तो आज का वीडियो बहुत ही होने वाला है स्पेशल, क्योंकि मैंने अपना G800 के लिए जीवी का टैंक बैग ऑर्डर किया था जो कि मेरे को रिसीव हुआ है कल ही। तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं इंस्टेड ऑफ कहीं पे जाके उसका इंस्टॉलेशन करवाऊँ तो बेटर है अपने से एक बार इंस्टॉल करके दिखा देते हैं, ताकि आप लोगों को भी ईजी हो जाएगा कि मतलब बेसिकली इंस्टॉल कैसे करना है और उसी के साथ में आप लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी है इंस्टॉल करते टाइम में, क्योंकि जो टैंक बैग है बेसिकली उसका जो टैंक रिंग है वो पूरा आप लोगों को पेट्रोल टैंक का जो कैप होता है वो रिमूव करना पड़ता है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा नट बोल्ट्स होते हैं वो गिर जाते हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा है एंड इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा कि मैं बेसिकली कैसे टैंक जीबी का टैंक रिंग है उसको इंस्टॉल करना है। तो टैंक रिंग का प्राइस अराउंड था मेरे को 1300 रुपीज़ का पड़ा एंड उसके साथ में जो जीबी का टैंक बैग था। तो टैंक बैग आप लोगों को कोई सा भी मल्टीपल ऑप्शन कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसका मैटर नहीं पड़ता। मेन होता है टैंक रिंग जो कि आप लोगों का बाइक में फिट होता है जिसके ऊपर आप लोगों का जीवी का टैंक बैग लगेगा। तो मेरे को एक जीवी का टैंक बैग पसंद आया जो कि 6 लीटर्स का था, जिसमें मेरा जो नॉर्मल गैजेट्स रहता है कैमरा हो गया फ़ोन हो गया वो सारी चीज़ें माउंट हो सकती है। तो अभी मेरे को ये रिसीव हुआ है, तो ये जो है जीवी का टैंक बैग ये मेरे को रिसीव हुआ है कल ही। तो अभी क्या करेंगे, इसको लेके जाते हैं बाइक पे इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ मतलब बेसिकली कैसा दिखता है टैंक बैग। स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आप लोगों को हर चीज़ A to Z पता लग जाए कि कैसे करना है। तो बेसिकली आप लोग भी अपने आप से कर सकते हो, जहाँ से भी ऑर्डर करना है वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस देखो, मेरे को ये वाला टैंक बैग जीवी का रिसीव हुआ है जो कि है इसका प्राइस अराउंड 10,500 का। तो जो टोटल इसका कॉस्ट आया मेरे को 12,048 रुपीज़ का आया। ये वाला है मैग्नेटिक टैंक रिंग, तो टैंक लॉक स्पेसिफिक माउंटिंग रिंग। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जिसपे कि आप लोगों का जो टैंक बैग है वो सेट होता है। और इस वाले टैंक बैग की अगर बात कर लें तो टैंक बैग में मेरे को एक चीज़ बहुत पसंद आई जो कि है ये फ़ोन रखने की जगह। तो जब भी हम टैंक बैग अगर लगाते हैं तो सीन ये हो जाता है कि हम लोग फ़ोन जो हैंडल बार में माउंट करते हैं वो वाला यूज़ नहीं हो पाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि मेरे को वैसे भी आगे माउंट करना पड़ेगा फ़ोन अगर जहाँ पे भी मैप देखना है। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा एंड आपका टच भी है, तो बेसिकली आपका फिंगर टच देखो, मतलब मैं जैसे फिंगर टच कर रहा हूँ तो मेरा फ़ोन अनलॉक हो जा रहा है विच इज़ गुड। तो ये ऐसे वेलक्रो है यहाँ पे, तो ये वाला जो ऐसे करके फिट हो जाता है, तो आप लोगों को फ़ोन का कोई टेंशन नहीं है। और प्लस एक एडवांटेज टैंक बैग में ये रहता है कि आप इजीली इसको क्लैंप से हटा के देन क्विकली आप अपने साथ में कैरी कर सकते हो। अदरवाइज़ जो बाकी टैंक बैग रहते हैं जैसे कि मैग्नेटिक वाला, क्योंकि G800 में मेरे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो मेटल टैंक नहीं है तो मैं मैग्नेटिक वाला यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए मेरे को इस ऑप्शन के लिए जाना पड़ा। अदरवाइज़ जो आप लोगों का नॉर्मल जो सोलेस का आता है या राइनोक्स का आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका मेटालिक टैंक है। अदरवाइज़ दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई मतलब कोई स्ट्रैप बांधने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बांधने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल है, बस ये ऐसे माउंट हो जाता है मैग्नेटिक रिंग की वजह से आप लोगों का इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो इसको एक बार खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को कितना कैपेसिटी है। सो दिस इज़ अराउंड 6 लीटर एंड तो इस वाले टैंक बैग का मॉडल है ST611 टैंक बैग। तो अगर आप लोगों को चेक करना है तो बाइक एंड बाइकर के ऑफिशियल पोर्टल से भी जाके चेक कर सकते हो। और इसको आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। तो बैग की अगर कैपेसिटी की बात करें जाए तो कुछ इस तरीके का आ जाता है। तो स्पेस तो काफ़ी है, मतलब इसके साथ में आप लोगों को रेन कवर मिल जाता है बेसिकली, और इसमें भी आप लोगों का फ़ोन का ट्रांसपेरेंट शीट रहेगा जिससे आप लोगों का फ़ोन दिखता रहे। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को स्पेस मिल जाती है काफ़ी, एंड ऊपर साइड में भी आप लोगों को अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है जिससे कि आप लोगों का ये कुछ भी मतलब GoPro है या फिर कोई माइक अडेप्टर हो गया या फिर बैटरीज हो गया, छोटा मोटा कुछ भी गैजेट्स हो गया वो बेसिकली यहाँ पे आ सकता है इजीली। तो क्वाइट गुड। तो अभी क्या सीन है कि इस वाले को हम लोगों ने टैंक के ऊपर यहाँ पे क्लैंप करना है, तो अभी बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। इसके बोल्ट्स पहले निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए चाहिए आप लोगों को हेक्सागोनल, और हम लोगों को ये वाला भी बैग के साथ में मिल जाता है जो कि हम लोगों की
बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से फिट होगा, और देन उसके बाद में इसके ऊपर जो बैग है वो इजीली लग जाता है। तो अभी पहले तो इसको इंस्टॉल करते हैं, देन उसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोगों को इस वाले बॉक्स में क्या बेसिकली मिल जाता है, इसके साथ में हम लोगों को टैंक का ये जो मैग्नेटिक क्लैंप रहता है, एंड इसी के साथ में ये तीन बोल्ट्स हैं, मैंने पहले ही खोल के रख लिए थे। अभी इसको बाद में करते हैं। तो अभी ये जो तीन बोल्ट निकाल दिए हैं, उसके बाद में इसको खींचोगे तो इस तरीके से निकल आएगा, एंड इसको अभी साइड में रख देते हैं। तो गाइस ये वाला जो है ये है इजी माउंटिंग। तो ये जो मेटल वाला क्लैंप मिलता है बेसिकली ये मैग्नेटिक है, एंड ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इधर पे ऐसा यहाँ पे देख रहे हो मार्क बना हुआ है, तो ईज़िली यहाँ पे तो ये ईज़िली यहाँ पे ऐसे क्लैंप हो जाएगा। एंड उसके बाद में क्या करना है, ये जो तीन वॉशर्स हैं इसको मैंने जो तीन यहाँ पे जो तीन बोल्ट्स यहाँ पे खोले थे बेसिकली यहाँ पे लगा देना है मेरे को इस तरीके से। तो ये एक नया टाइप आया है बेसिकली ये इजी माउंटिंग वाला, तो आप लोगों को इजी रहता है इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको फिट करना है एज इट इज़। तो आप लोगों को अभी मेन है कि ये मेन आप लोगों को टैंक कैप खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला जो बोल्ट है हम लोगों को मिला हुआ है, इसमें बेसिकली हेक्सागन वाला लगता है, बट ये मेरे पास था नहीं इतना पतला वाला, तो ये बेसिकली इससे स्क्रू से भी हो जाएगा टाइट। तो अभी इसको यहाँ पे इस पर फिट कर देते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके का माउंटिंग है इसमें, और जो ओवरऑल जो है ना इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो इसी तरीके से मेरे पास दो और हैं यहाँ पे माउंटिंग के लिए, तो ये वाले दो भी इधर लग जाएंगे। तो अभी कुछ इस तरीके से ये क्लैंप फिट हो चुका है, मतलब अच्छा खासा टाइट वाइट है। एंड तो देखो हेक्सागन वाला रहता तो इजी रहता, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। एंड अभी जो है ये वाला बेसिकली ये वाला जो क्लैंप है ये यहाँ से ऐसे लॉक अनलॉक होता है, तो अभी इसको क्या कर देना है, इजीली फिट है यहाँ पे, बस इसको रख दो एंड क्लैंप हो गया। सो ऑल सेट। तो इसी तरीके से इसका इंस्टॉलेशन करना काफ़ी इजी था। एंड बाकी आप लोगों को जो भी रहता है यहाँ पे बैग का कैपेसिटी देखना, यहाँ पे ये 6 लीटर्स का है तो काफ़ी इजी है, मतलब कैरी करना कुछ भी आप लोगों का छोटा मोटा गैजेट्स है वो सारे यहाँ पे आ सकता है। इसी के साथ में ये हम लोगों को मिला हुआ है इसका रेन कवर, इसको क्या करना है, यहाँ से आप जब भी अगर रेन होता है तो इसको आप लोग बेसिकली यहाँ पे ऐसे फिट कर सकते हो। तो बारिश के टाइम पे इसको ऐसे तरीके से फिट कर सकते हो। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है इसका, एंड देखो मतलब वाइब्रेशन भी काफ़ी कम रहेगा क्योंकि ये क्लैंप इस तरीके से यहाँ पे माउंट हो जाता है। तो गाइज़ इसी तरीके से इसका बाइक का जो फाइनली इंस्टॉलेशन हो चुका है, और हम लोग हैं नॉर्थ ईस्ट राइड के लिए रेडी। तो इसी के साथ आप लोगों को अगर अच्छा लगा ब्लॉग तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।